इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन में होने वाली इन्फेक्शन या फिर यूटीआई के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि यूरिन में होने वाली ये इन्फेक्शन यूटीआई क्या है और कैसे होती है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर में बहते हुए खून की सफाई किडनी करती है। किडनी जब खून की सफाई करती है, उससे जो वेस्ट पदार्थ निकलते हैं उन्हीं से यूरिन का निर्माण होता है। लेकिन जब ये यूरिन किडनी में बनता है, तब उसके अंदर कोई कीटाणु नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं होती। तो फिर आखिर ये इन्फेक्शन यूरिन में आती कहाँ से है? ज़्यादातर देखा गया है कि ये इन्फेक्शन यूरिनरी ओपनिंग या यूरेथ्रा से ही अंदर और ऊपर की तरफ आती है। और क्योंकि महिलाओं में यूरेथ्रा छोटा होता है, इसी कारण महिलाओं में ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो या फिर गर्भवती महिलाएँ, इनमें भी यूटीआई का रिस्क ज़्यादा रहता है। अब जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको अपनाकर हम यूटीआई से ना केवल बच सकते हैं, बल्कि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तकलीफ हमें हो तो भी ये चीज़ें काफ़ी मददगार होती हैं। सबसे पहली चीज़, जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा पानी पिएं। ऐसा करने से ज़्यादा यूरिन बनेगा और यूरिन ज़्यादा बनने की वजह से जितने भी कीटाणु ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कर रहे हैं वो फ्लश हो जाएंगे और यूटीआई का रिस्क भी कम रहेगा। और अगर आपको पहले से ही यूटीआई है तो उसकी ट्रीटमेंट में भी जल्दी मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ ये देखी गई है कि ज़्यादातर महिलाओं को अगर साफ़ टॉयलेट की सुविधा ना मिले तो इस कारण या किसी और कारणवश वो यूरिन को काफ़ी देर तक कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यूरिन में जो कीटाणु थोड़े बहुत होते हैं वो पनपने लगते हैं और इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। इसलिए कभी भी यूरिन कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें। अगर कभी यूरिन पास करने की अर्ज हो तो तुरंत वॉशरूम ज़रूर जाएं। तीसरी छोटी सी बात जिसका हम ध्यान रख सकते हैं, खास करके महिलाएं, अपनी इंटीमेट हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का खास ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर ये इन्फेक्शन हमें अपने शरीर के बैक्टीरिया से ही होती है। तो जितना हम अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, खासकर नहाते वक्त और वॉशरूम के बाद, हमेशा याद रखें कि हम महिलाओं को अपने आप को आगे से पीछे की ओर साफ़ करना चाहिए, पीछे से आगे की तरफ नहीं। इस छोटी सी बात को याद करके भी हम काफ़ी कीटाणुओं से बच सकते हैं। आखिरी में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनको यूटीआई का रिस्क ज़्यादा हो। कई बार यूटीआई के सिम्टम्स नज़र नहीं आते और ये इन्फेक्शन बिल्कुल साइलेंट होती है, जिसका मतलब शरीर में इन्फेक्शन तो है पर कोई जलन या और कोई सिम्टम नहीं आ रहा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको यूटीआई का रिस्क है तो आप रेगुलर यूरिन अपना चेक ज़रूर कराएं और कोई भी इन्फेक्शन आने पर तुरंत उसका इलाज कराएं, ताकि ये इन्फेक्शन ज़्यादा आगे ऊपर किडनी की ओर ना बढ़े।